नमस्कार। आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं दोस्तों पांच बड़ी खबरें। हमारी आज की पहली बड़ी खबर है, शिव की कांवड़ यात्रा का रहस्य क्या है, क्यों करते हैं कांवड़ यात्रा, इसके बारे में हम आपको पूरा रहस्य बताएंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो विवाहित महिला को भी सजा मिलेगी, इसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। ये बात कोर्ट ने कही है। हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यह जो हमने केस बताया आपको, यह केस कोर्ट में चल रहा है और दोस्तों इस केस के बारे में कोर्ट का क्या कहना है, इसका पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आधार का पता अब आसानी से बदला जा सकेगा। दोस्तों UIDAI ने शुरू की नई व्यवस्था, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर रहेगी, BPSC 64वीं PT के लिए 3 अगस्त से आवेदन करें, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर रहेगी, बच्चे को जन्म के 24 घंटे तक भी माँ का दूध नहीं मिलता है तो मौत का खतरा दुगना हो जाता है नवजात बच्चे के ऊपर, इस खबर के बारे में हम आपको पूरा अपडेट देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसिला और पहली खबर हम लेते हैं। हमारी आज की पहली बड़ी खबर है, शिव की कांवड़ यात्रा का रहस्य हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो शिव की कांवड़ यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं शिव की कांवड़ यात्रा और यह कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई है, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हम आपको पूरी अपडेट बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है दोस्तों और सावन का महीना भगवान शिव के नाम होता है, भगवान शिव का प्रिय महीना होता है सावन का महीना। इस सावन के महीने में दोस्तों जो भोलेनाथ के परम भक्त है वह दोस्तों कांवड़ यात्रा निकालते हैं और दोस्तों भोलेनाथ को कांवड़ यात्रा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम आपको पहले यह बताते हैं दोस्तों कि जो ये कांवड़िया दोस्तों ये कांवड़ यात्रा कब से निकाल रहे हैं, इस धरती पर कांवड़ की शुरुआत कब से हुई है। हम आपको बताएं दोस्तों, सबसे पहले कांवड़िया थे भगवान श्री राम। हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग को जलाभिषेक किया था। दोस्तों पहले कांवड़ यात्री बताए जा रहे हैं भगवान श्री राम। और दोस्तों हम आपको बताएं, कुछ ऐसी मान्यता भी सामने आई है कि भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ उठाई थी और दोस्तों उनको सबसे पहला कांवड़िया कहा जाता है। और हम आपको बताएं दोस्तों, कुछ मान्यता इस प्रकार की भी है कि जो माता पिता के परम भक्त हैं श्रवण कुमार ने कांवड़ की परंपरा की शुरुआत करी थी। उन्होंने अपने माता पिता को, जो उनके दृष्टिहीन माता पिता थे दोस्तों, उनको कांवड़ के अंदर बैठाकर हरिद्वार की यात्रा करवाई थी। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि श्रवण कुमार पहले कांवड़ यात्री थे। और हम आपको बताएं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था दोस्तों और उस मंथन के अंदर हलाहल विष निकला था दोस्तों, इस विष को शिवजी महाराज ने पी लिया था। पीने के बाद उनका जो गला है वह नीला हो गया था, उनके शरीर पर इस विष का बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा था। तो दोस्तों यह सब देखकर जो देवता है वह चिंतित हो उठे और दोस्तों विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने क्या किया, हम आपको बताएं, जो शीतल जल होता है दोस्तों गंगा जल का, वह शिवजी के ऊपर छड़ाने लगे। और दोस्तों कहा जाता है कि जब गंगा जल शिवजी के ऊपर छड़ाया तो जो विष का असर है वह कम हो गया और दोस्तों जब से ही कांवड़ की शुरुआत हुई। दोस्तों इस प्रकार के जो मान्यताएं हैं वह हमने आपको बताया कि कौन कौन सी मान्यताएं कांवड़ को लेकर प्रचलित है और ये कांवड़ यात्रा शुरू करने के पीछे क्या रहस्य है, कब से शुरू हुई है कांवड़ यात्रा, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों, विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो दोस्तों विवाहित महिला को भी सजा मिलेगी, यह कहना है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय IPC की धारा 497 को लेकर बहस चल रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, IPC की धारा 497 क्या है। IPC की धारा 497 के अनुसार दोस्तों, यदि
जो भी पुरुष है दोस्त, विवाहित पुरुष है, वह किसी दूसरी विवाहित महिला से संबंध बनाता हुआ पाया जाता है दोस्तों, और वह भी उसके पति की इजाजत के बिना। तो दोस्तों उसके ऊपर धारा 497 लगाई जाती है, और दोस्तों इस धारा के तहत उसे पुरुष को सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं, कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है कि जो पुरुष है वह सजा का हकदार है, लेकिन दोस्तों महिला भी सजा का बराबर की हकदार है। दोस्तों इसके ऊपर कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, और हम आपको बताएं दोस्तों, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि शादी जैसी संस्था को बचाने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने में दोनों ही पार्टनर बराबर के जिम्मेदार होने चाहिए। और हम आपको बताएं दोस्तों, कोर्ट ने और क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है दोस्तों, अगर एक विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसे में केवल पुरुष को ही दंडित कैसे किया जा सकता है, जबकि महिला उस अपराध की बराबर हिस्सेदार है। हम आपको बताएं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि संसद ने एक प्रावधान बनाया था कि कोई भी विवाहित पुरुष किसी महिला के साथ उसकी पति के मर्जी के बिना यदि संबंध बनाता है तो दोस्तों वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई विवाहित पुरुष किसी महिला के साथ उसकी पति की मर्जी के साथ संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रावधान संसद ने क्यों बनाया, इसके ऊपर दोस्तों कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। और दोस्तों हम आपको यह बात भी बताएं कि जो कोर्ट की जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा दोस्तों कि धारा 497 के तहत पत्नी को पति की मर्जी से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की कानूनी छूट देना एक बकवास कानून है। और दोस्तों उन्होंने ये बात भी कही है, क्या पत्नी के साथ एक संपत्ति की तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। धारा 497 शादी की पवित्रता को बचाव करती है, फिर भी अगर एक विवाहित पुरुष शादी के बाहर जाकर एक अविवाहित महिला के साथ संबंध बनाता है जो इस कानून के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों कोर्ट के अंदर इसके ऊपर अभी बहस चल रही है, आगे क्या होगा है? हम आपको पूरा अपडेट बताएंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर, आधार का पता अब आसानी से बदला जा सकता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, UIDAI ने यह सेवा शुरू करने का फैसला ले लिया है, और दोस्तों यह सेवा अप्रैल 2019 में शुरू हो जाएगी। हम आपको बताएं दोस्तों, आधार का पता बदलवाने के लिए अब आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बताएं यह सेवा किसके लिए शुरू की गई है और क्यों की गई है। हम आपको बताएं दोस्तों, कई लोग किराए के मकान में रहते हैं, आज वो यहाँ रहते हैं, कल दूसरे किराए के मकान में रहते हैं, तो दोस्तों उनका जो एड्रेस है, पता है दोस्तों, वह बदलता रहता है। और दोस्तों इसी कारण से जो आधार का पता है वह भी अब ये लोग बदल सकते हैं। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, इस नए नियम से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र नहीं है। और हम आपको बताएं दोस्तों, जो भी आधार कार्ड धारक है वो सिर्फ एक पत्र और पिन संख्या के माध्यम से अपना पता बदलने की सुविधा अब उनको मिल जाएगी। हम आपको बताएं दोस्तों, UIDAI ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है कि इस नई सेवा को 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला UIDAI ने ले लिया है। और हम आपको बताएं दोस्तों, इसका फायदा किसको मिलेगा। हमने आपको पहले बताया कि जो किराए के मकान में रहता है, जो एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में गए हैं नौकरी की तलाश में, दोस्तों इनको फायदा मिलेगा। और हम आपको बताएं दोस्तों, नई सेवा का प्रायोगिक परीक्षण 1 जनवरी 2019 से शुरू हो जाएगा, और दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी व्यवस्था है UIDAI की तरफ से। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, BPSC 64वीं PT के लिए 3 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हो, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 3 अगस्त से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दोस्तों हम आपको बताएं, आप रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवाओगे, हमने बिहार लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, आप
उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इस वेबसाइट के अंदर चले जाइए और दोस्तों इसके अंदर आवेदन आप कर सकते हो। हम आपको बताएं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 20 अगस्त, और दोस्तों हम आपको बताएं आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क के भुगतान करने की अंतिम तिथि रखी गई है 24 अगस्त, और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 अगस्त। हम आपको यह बात बताएं दोस्तों, आयोग के सचिव केशव रंजन प्रसाद ने बताया है कि लगभग 1200 पदों पर नियुक्तियां मांगी गई है। हम आपको बताएं दोस्तों कौन कौन से पद है। राजस्व पदाधिकारी 571 पद, आपूर्ति निरीक्षक 223 पद, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 133 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 122 पद, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 51 पद, सहायक निबंध सहयोग समितियां 41 पद, बिहार पुलिस सेवा 40 पद। दोस्तों हमने आपको पूरी खबर बताई है। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, बच्चे को जन्म के 24 घंटे तक यदि माँ का दूध नहीं मिलता है तो दोस्तों मौत का खतरा इस नवजात बच्चे के लिए दुगना हो जाता है। इस खबर के बारे में हम आपको पूरी अपडेट बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि जिन बच्चों को माँ का दूध पहले 1 घंटे में नहीं मिलता है दोस्तों, वह ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, और दोस्तों जिन बच्चों को माँ का दूध पहले 1 घंटे में मिल जाता है दोस्तों, वह बच्चे ज्यादा मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और दोस्तों हम आपको बताएं, यह बच्चे कई संक्रमण से भी बचे हुए रहते हैं, इनको कई संक्रमणों से सुरक्षा मिलती है माँ के दूध से। और हम आपको यह बात बताएं दोस्तों, माँ और बच्चे का यह संपर्क ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम आपको बताएं दोस्तों, इससे पहले संपर्क से ही कोलेस्ट्रम बनने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रम को पहला दूध भी कहा जाता है। माँ बनने के बाद कुछ दिनों तक कोलेस्ट्रम ही प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों हम आपको बताएं, कोलेस्ट्रम गाढ़ा चिपचिपा और पीलापन लिए हुए एक प्रकार का दूध होता है दोस्तों, और यह दूध जब बच्चा पीता है तो दोस्तों उस बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर जो तत्व होते हैं दोस्तों, क्या क्या तत्व होते हैं कोलेस्ट्रम के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज का खजाना होता है दोस्तों इस कोलेस्ट्रम के अंदर। और दोस्तों जब यह बच्चे के शरीर के अंदर जाता है तो बच्चे को कई प्रकार के संक्रमणों से रक्षा करता है। और तो दोस्तों हम आपको बताएं, जो ये कोलेस्ट्रम होता है इसको बच्चा आसानी से पचा भी लेता है। हम आपको बताएं दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जागरूकता कई देशों में ज्यादा है, कई देशों में कम है। हम आपको बताएं दोस्तों, 76 देशों के अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट बताइए दोस्तों कि जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देश है दोस्तों, वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर सबसे अधिक जागरूकता है। वहां पर 65% महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और जबकि दोस्तों जो हमें भारत देश है वहां पर दोस्तों 56% जो महिला है वह ब्रेस्ट फीडिंग करती है। दोस्तों हमने आपको पूरी खबर बताई है। तो दोस्तों आप हमारा जो खबरों का सिलसिला है और दोस्तों जो हमारा चैनल है उसको आप यदि पसंद करते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।